गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज यहाँ पे आप करिए एक्सरसाइज 5। चैप्टर आपका था मेट्रो की कहानी। मेट्रो की कहानी, मेट्रो की जवानी, और उसकी एक्सरसाइज आपकी है 5। 5 एक्सरसाइज में आप करेंगे सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का क्रॉस करेंगे। तो पेज नंबर 87। पेज नंबर ओके। तो चलिए का नंबर, अगर हमें खरीदारी करनी हो तो अक्षरधाम जाना होगा। अगर हमें खरीदारी करनी हो तो अक्षरधाम जाना होगा। तो अभी सभी बच्चों को हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर, तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे टिक करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आप कहाँ पे सामान खरीदने जाएंगे खरीदारी करने के लिए? अक्षरधाम का तो मंदिर है, ठीक है बच्चों? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अक्षरधाम मंदिर है। आपको चांदनी चौक जाना होता है, खरीदारी आप दिल्ली में चांदनी चौक में करते हैं, इसलिए आप चांदनी चौक जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, क्रॉस हो गया। मेट्रो रेल वातानुकूलित है, तो बच्चों आपने पढ़ा है कि ये वातानुकूलित होती है, ठीक है? तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। मेट्रो स्टेशन केवल ज़मीन के नीचे बने हैं, मेट्रो स्टेशन केवल ज़मीन के नीचे बने हैं, तो ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि मेट्रो स्टेशन ज़मीन के नीचे भी है, आकाश में भी बने हैं और ज़मीन के नीचे भी हैं। तो ये फिर क्या हो जाएगा, मेट्रो स्टेशन केवल ज़मीन के नीचे बने हैं, तो यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। है मेट्रो स्टेशन पर रूट मैप उपलब्ध है, तो हाँ बच्चों यहाँ पे रूट मैप आपको मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप अब कहाँ पे जा सकते हैं। तो यह आपको टिक करना है। मेट्रो रेल दिल्ली की शान है, तो मेट्रो रेल दिल्ली की शान है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे टिक करेंगे। मेट्रो रेल दिल्ली की शान है। हर मेट्रो स्टेशन पर रूट मैप उपलब्ध है, तो ये भी सही है कि हाँ रूट मैप उपलब्ध है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। इसके बाद में दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। सुबह, सुबह का पर्यायवाची होगा प्रातः और दिन, प्रातः और भोर होगा, ठीक है, प्रातः और भोर। दूसरा है आपका रात्रि, तो रात्रि का पर्यायवाची होगा निशा और रजनी, निशा और रजनी। गा नंबर बुजुर्ग, बुजुर्ग का पर्यायवाची आप लिखिए वृद्ध और बूढ़ा, वृद्ध और बूढ़ा। यात्री, यात्री का लिखेंगे यात्री का लिखेंगे पर्यटक और सवारी। यात्री का लिखेंगे पर्यटक
और यात्री का पर्यटक लिखिए और एक यात्री का आप पर्यटक लिख सकते हैं और भ्रमणशील लिख सकते हैं, ठीक है। भ्रमण करने वाला लिख सकते हैं, भ्रमण करने वाला, भ्रमण मीन्स होता है घूमना, भ्रमण करने वाला भी यात्री का पर्यायवाची बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यात्री का एक लिखेंगे पर्यटक और एक लिखेंगे भ्रमण करने वाला, ठीक है। दूसरा है कोशिश, तो कोशिश का आप लिखेंगे प्रयास और प्रयत्न, प्रयास और प्रयत्न, ठीक है बच्चों। सुबह का लिखेंगे आप भोर, प्रातः। रात्रि का लिखेंगे निशा, रजनी। बुजुर्ग का लिखेंगे वृद्ध और बूढ़ा। यात्री का लिखेंगे पर्यटक और भ्रमणशील। कोशिश का लिखेंगे प्रयास और प्रयत्न। ओके स्टूडेंट, तो दोनों एक्सरसाइज आप कंप्लीट करके हमें सेंड करेंगे।